यस, सो ईयरली स्प्रेड की प्रैक्टिस करेंगे, स्टूडेंट भी आप हैं, टीचर भी आप हैं। तो अनीता जी स्टूडेंट हैं आज और भारती जी टीचर हैं। भारती जी बहुत ध्यान से सुनना, आपको फीडबैक देना। जी बोलेंगे। जी, मैंने ईयरली प्रिपेयर निकाला, तो मैंने इसी हिसाब से निकाला जी, अभी की सिचुएशन है और ये कमिंग 6 मंथ की है। तो अभी जो आपकी हेल्थ है, आपको काफी प्रॉब्लम या इश्यू रहे होंगे हेल्थ में, पर आपने उन सबको ओवरकम करके अभी आपकी हेल्थ काफी गुड चली है। जो भी आपका कोई अगर ट्रीटमेंट चला हो, कुछ भी चला हो, आपने उसके ऊपर अच्छा वर्क किया और आपकी हेल्थ अभी ठीक है, और इन फ्यूचर आप अपनी हेल्थ के ऊपर अच्छा वर्क कर रहे हो, जैसे कोई गुड डाइट कर रहे हो, अच्छी दिशा में जा रही है। इस वक्त आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, आने वाले 6 मंथ में आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। और रिलेशनशिप में अभी आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको कोई कंपेनियन चाहिए। आपने सब कुछ गेन तो कर लिया है, आपके पास काफी मटेरियलिस्टिक स्टफ है, पर अंदर से आप थोड़ा अकेले पड़ गए हो। बट ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, अभी के लिए ऐसी है, बट आने वाले 6 मंथ में आपके आपको कोई ना कोई मिलेगा जो आपके साथ अच्छा चले। मे बी यू विल फाइंड सम पार्टनर, और शायद मैरिज या फिर रिश्ता वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले 6 मंथ में। बिजनेस में आप काफी नॉलेजेबल हैं, अच्छा कर रहे हैं, अभी आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, बिजनेस में काफी इंजॉय भी है, रिजल्ट भी है, काफी अच्छा है। और आने वाले 6 मंथ में आप अपनी अपनी आने वाले 6 मंथ में आप जो है अपनी जॉब पे ज्यादा फोकस करोगे, आप सारा कुछ भूल के जो है अपना जॉब के ऊपर ही लगे रहोगे और काफी प्रोग्रेस करोगे, स्ट्रगल एंड सक्सेस आपको मिल जाएगा। जो फर्स्ट 6 मंथ है ना, उसमें आपकी प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आपको ना डिप्रेशन से निकालना होगा, थोड़ा सा मे बी किसी की काउंसलिंग लीजिए, किसी से हेल्प लीजिए आपको गाइड करने के लिए, तो आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और आने वाले 6 मंथ में आपको केयरलेस नहीं रहना है किसी चीज में, थोड़ा सा आपको मेच्योर होने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है आने वाले 6 मंथ में। थोड़े से अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीजें करेंगे तो आप आगे अच्छा, आपका आने वाले 6 मंथ बहुत अच्छे रहेंगे। ओके भारती जी, कैसा फीडबैक है? हाँ मैम, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, क्रिस्प बोला और कार्ड से रिलेटेड ही बोला। मुझे बस ये जानना है कि आपने जो नेक्स्ट 6 मंथ का जो गाइडेंस दिया है वो आपने कौन से एस्पेक्ट में दिया है? हेल्थ में दिया है, करियर में दिया है, या रिलेशनशिप में दिया है? कहाँ प्रॉब्लम लग रही है आपको? मुझे एक्चुअली कार्ड याद नहीं है। अनीता मैम अनम्यूट कर लो अनीता। ये हेल्थ थी, ये रिलेशनशिप था, हेल्थ और हेल्थ दिखाई, रिलेशनशिप हेल्थ दिखाई मैम, हेल्थ। ओके, ये हो relationship... सकता है मैम, अगर हेल्थ के एस्पेक्ट में अगर ये कार्ड आता है ना, तो अगर कोई बीमारी है तो एक्सपेंड हो सकती है, तो उन्हें इस नहीं, वो चीज का टू ऑफ ध्यान। वॉन्ड्स होता है, ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स है भारतीय जी। ये थ्री और ऑफ नहीं, वॉन्ड्स, टू ऑफ ओके, वॉन्ड्स टू ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा ठीक है, हाँ, तो उनको इसमें ज्यादा सतर्क रहना होगा, केयरलेस नहीं बनना होगा। कोई बीमारी है तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए, उस बारे में केयरलेस मत होइए, हुई है कि वो एक्सपेंड हो सकती है। उसके बाद ऑलराइट। अब मैम, मुझे भी एक बात बोलनी है आपको कि रिलेशनशिप में जो आपने सेकंड हाफ में बोला है कि आपकी शादी हो सकती है, किंग ऑफ पेंटिकल्स में कोई शादी की एनर्जी नहीं होती, और दूसरी, नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया ना आपका। और दूसरी बात, वो ये भी दिखाता है कि रिलेशनशिप पे आप ध्यान नहीं दोगे, पैसे पे ज्यादा ध्यान दोगे, जो उसका करियर का कार्ड भी सपोर्ट कर रहा है ना। तो रिलेशनशिप वाइज जो लेटर 6 मंथ्स थे वहां प्रॉब्लम थी थोड़ी, ठीक, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। बाकी आपकी रीडिंग अच्छी थी, क्रिस्प थी, जो बोला आपने सही बोला। थोड़ा सा बस उसको ये देखो कि रिलेशनशिप में पेंटिकल्स है, तो वो ये नहीं बता रहा कि शादी या कोई ये चीज, ठीक है मैम जी। मुझे भी एक चीज यहाँ पे पूछनी है हाँ कि मैम, जैसे कोई कार्ड है ना, वो किसी ने अगर कुछ बोला या थोड़ी देर के लिए दिखाया अगर, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते, तो एक नॉर्मल चीज है, हमको बिछा के खुद देखना पड़ता है पूरा हाँ कनेक्ट क्योंकि करने के अभी अभी लिए। सीखा है ना। हाँ, ओके ओके यस, नेक्स्ट मेघना रीडिंग कर रही हैं, और स्वीटी कुमारी जी आप टीचर हैं। मेघना जी और स्वीटी जी ध्यान से सुन लें। मैम, हाँ मैं अभी ईयरली स्प्रेड करूँ या वो जो उससे मेरा डायमंड स्प्रेड ईयरली कर रहेगा? लो, डायमंड उसमें अपने आप हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं ईयरली कर लेती हूँ। तो मेरा फर्स्ट 6 मंथ्स में आया है 8 ऑफ कप्स, ये हेल्थ का कार्ड है। हेल्थ में थोड़ी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, आपके हेल्थ इश्यूज हैं जिससे आप अवॉइड कर रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो।
तो इस वजह से इस आपकी हेल्थ ठीक होने वाली नहीं है। आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो दिख भी रहे आप शायद ध्यान भी दोगे, आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी हेल्थ काफी अच्छी होगी और इसमें आपको फैमिली भी हेल्प करेगी। रिलेशनशिप में कह रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आप अपने रिलेशनशिप पे आपकी नई शुरुआत होगी कोई, जिसपे आप एक्चुअली सीरियसली एनालाइज करोगे, उसके बारे में सोचोगे अपने रिलेशनशिप के बारे में, बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट टेक ऑन विद योर रिलेशनशिप। जो कि दिख रहा है कि होगा भी, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ्स में एम्प्रेस कार्ड आया है कि आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि ये फर्टिलिटी का कार्ड भी दिखाता है। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे इसमें आपको प्रोडक्टिविटी भी मिलेगी। करियर में आया है द लवर्स कार्ड। आपका करियर भी काफी अच्छा चलेगा, आप ऑनेस्ट रहोगे, ट्रांसपेरेंट रहोगे अपने करियर में, अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ। बस आपको बस ये ध्यान देना कि ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो दूसरी चीजों में। लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में कहीं ना कहीं ठीक होता हुआ, मतलब वैसे तो पॉजिटिव रहेगा वर्क एनवायरनमेंट, पर हो सकता है क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ्स में अच्छा चल ही रहा है, तो अब नेक्स्ट 6 मंथ्स में थोड़े से केयरलेस एटीट्यूड के हो जाओ, जो कि आपको नहीं होना है। तो गाइडेंस फर्स्ट 6 मंथ्स में यही रहेगी, स्पेशली हेल्थ को लेकर गाइडेंस है कि आपको नर्चर द स्टार का कार्ड आया गाइडेंस में, तो आपको केयर करनी है अपने हेल्थ को लेके, आपको बैलेंस बना के चलना है, काफी केयर करना है अपना, जो भी हेल्थ इश्यूज है उसको ध्यान से देखना है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी आपको लेनी पड़ेगी। और जो नेक्स्ट 6 मंथ्स का गाइडेंस है वो स्पेसिफिकली करियर से रिलेटेड है, क्योंकि करियर में हो सकता है कि आप केयरलेस हो जाए, तो आपको मैच्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी करियर के लिए, ताकि आपकी स्टेबिलिटी आए। यस टीचर जी, फीडबैक दो। अच्छा बोलिए, बहुत अच्छा है, इनकरेजिंग बहुत अच्छा है। मतलब वेरी क्रिस्प टू द पॉइंट एंड रिलेटेड, है ना? तो अच्छा बोला। यस रोशन जी बोलेंगे और अल्पना गुप्ता जी देंगी फीडबैक। हाँ जी नमस्ते। आई एम डूइंग अ स्प्रेड फॉर आज से लेके अगले 6 महीने तक। तो द करेंट कार्ड एंड हाउ योर हेल्थ रिलेशनशिप करियर विल गो ओवर द एस्पेक्ट्स ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो द करेंट सिचुएशन फॉर योर हेल्थ इज द 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यू आर सिक राइट नाउ, यू प्रोबेबली अंडरगोइंग सम इलनेस, आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप बीमार हो। फ्रॉम अ रिलेशनशिप परस्पेक्टिव you have the Empress card. This is a wonderful card. It means that you are very lucky, and you are, because of your nature, even your family, friends, your entire circle around you is reciprocating, and because you're taking so much good care of them, most probably this is going to be very, very useful in addressing your chronic health situation. Aapko reciprocation milegi because you are such a loving and nurturing person. फ्रॉम अ करियर परस्पेक्टिव, आज के दिन आप फिर से यू आर लुकिंग वेरी सैड बिकॉज ऑफ सम लॉस, एंड दैट क्लियरली शोन कि जब आप क्रोनिकली बीमार हैं तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू वर्क। तो आई वुड से डू नॉट टेक इट टू मच टू हार्ट। यू आर इन अ सिचुएशन वेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज इम्पैक्टिंग द अदर एस्पेक्ट। तो करियर में आप यू आर वरिंग अबाउट नो द लॉसेस योर एंड द लॉसेस प्रॉब्ली आर योर हेल्थ लॉसेस कि मैं इतना बीमार पड़ गया, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। बट द गाइडेंस कार्ड दैट कम्स फॉर योर करेंट सिचुएशन कि आपकी थॉट प्रोसेस या आपका मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होना चाहिए इज द नाइट ऑफ कप्स। सो यू हैव ऑल द मेंटल स्टेबिलिटी, यू आर अ गुड डिसीजन मेकर, यू आर वेरी यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर फैकल्टीज। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए, एंड एज इट शोज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस माई फ्रेंड। सो प्लीज डू नॉट हरी अप, हैव फेथ एंड बिलीव इन योर रिलेशनशिप्स। आपकी रिलेशनशिप्स अभी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिससे आई सी दैट इफ यू स्टे कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव लाइक अ नाइट एंड होल्ड योर रिलेशनशिप्स इन योर हैंड एज इट शोज द कप इज इन योर हैंड। तो अपनी रिलेशनशिप को के साथ स्लो एंड स्टडी इफ यू मूव you will certainly be able to address all the other aspects. And let us see what is happening after 6 months, March 2025, May. In your health situation, we have got the six of swords. Your thoughts around your health or your current health situation is from chronic situation, it has improved a lot, I would say. And you are actually moving away from a bad situation of health slowly but steadily towards calmer waters. बड़ी स्थिरता आ रही है और आप आपके साथ देखिए फैमिली आपकी साथ है। यू हैव योर फैमिली सपोर्ट एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स
a much better situation as compared to how it was 6 months before. In your relationship sector, Ace of Pentacles, your current situation was very strong, Empress card, and you're getting the Ace of Pentacles, which represents that there may be expansion. The divine, the heavenly forces, all or the universe, whatever you call it and accept it as, is giving you an opportunity, a new opportunity in the area of health, but it will be driven by primarily a little bit of a materialistic force. But it is a new opportunity. It is a very good opportunity. So grab this opportunity. If it's a new relationship, a new friend, a new girlfriend, marriage, whatever it is. If there is some new relationship that you are aware of and it's coming towards you, please take it and claim it. Do not let go of it. Your relationships are your strength and now they are growing. And finally, in the sector of your career, it shows the Hangman, which means that from that black, really depressive situation, you have now come to a situation where you are having the awareness that you've done all you can. Results itne up to the mark nahi the. So now you are trying to change your perspective, look at things in a different way, and you have left a lot of your career's outcome in the hand of God or in the hand of destiny. You just it's a position where you've given up. It's not a great position, but compared to what it was 6 months back, it's a much better position to be in. Change of perspective always gives you a chance. And the guidance for the next 6 months that is going to be in this case is the Wheel of Fortune. So it means that there is a change. Your fortune is coming full cycle. So aaj jaisa hai, in 6 months, aapki jo sthiti hogi, jaise career mein aap hangman situation mein aa rahe ho, it means that because of this change of fortune, aapki जो फॉर्च्यून है वो चेंज हो रही है. यू आर एंड कमिंग इनटू गुड लक एंड दिस यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू विल बी गेटिंग गुड फ्रूट्स फॉर द एफर्ट्स दैट यू पुट इन. सो इफ यू पुट इन द एफर्ट्स, इफ यू यूज योर रिलेशनशिप एज योर स्ट्रेंथ एंड यू आर क्यूरिंग योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू रिलेशनशिप. इट ऑब्वियसली मीन्स दैट यू मस्ट पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स एंड डू नॉट गिव अप. इट इज अ वेरी गुड कार्ड विच इंडिकेट्स अ न्यू साइकिल, newness coming into your life, which is also there in your cards. So all that's right. How your next 6 months looks. Thank you. Okay. Alpana ji, batayin. बाकी तो सब बहुत अच्छा बोला. बहुत कई बार मुझे रोशन जी के साथ ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कई बार वो बहुत फ्लो में चले जाते तो बहुत ज्यादा भी बोल देते हैं. स्ट्रेस्ड रीडिंग है. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉइंट जो क्रक्स पॉइंट है ना, कई बार मुझे लगता है कि क्लाइंट शायद वो एकदम थोड़ा जोन आउट ना हो जाए, वो वाली बात थोड़ी सी मुझे लगती है उनके साथ. और गाइडेंस के कार्ड में जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का गाइडेंस का कार्ड है ना, वो मुझे पर्सनली भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है. तो उसमें गाइडेंस में क्रक्स गाइडेंस के लिए वो कार्ड कहता है कि समय अच्छा है, एफर्ट्स आपको डालने होंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है क्लाइंट नहीं डाल रहा है एफर्ट्स, है ना, करियर से वो हताश होके छोड़ चुका है एफर्ट्स. तो इसीलिए उसके लिए यही गाइडेंस आई है कि भैया हताश उनसे कुछ नहीं होगा, एफर्ट्स छोड़ने से कुछ नहीं होगा, समय बेटर है, अब आपका साथ देगा, पर तुम कुछ करो तो सही. तो जब ऐसे लेटर 6 मंथ्स में जब ऐसा टाइम आए तो उस समय पे एफर्ट्स डालना. मैम इसमें एक और बात है कि जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है तो उसमें हम गाइडेंस में ये भी बोल सकते हैं ना कि आप थोड़ा सा अपनी साइक्लिक जो नेचर है, जो आप बार बार रिपीट करते रहते हो, उस थोड़ा बाहर आओ और कुछ नई. तो नेचर थोड़ी दिखाता है गाइडेंस का कार्ड है, उसका नेचर थोड़ी दिखा रहा है वो. नहीं, लेकिन जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है, साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ को दिखाता है, अच्छा और बुरा टाइम आता और जाता रहता है, तो पॉजिटिव नहीं, ये नहीं दिखाता है वो. वो ये दिखाता है कि आपका बुरा समय खत्म होके अच्छा समय शुरू होगा. अगर आप साइक्लिक बोलो तो वो तो अच्छा खत्म होके बुरा भी तो शुरू हो सकता है, तो नहीं दिखाता है वो ये कार्ड. ठीक, यस, ये बात ठीक है कि आप थोड़ा उसको क्रिस्प कर सकते हो रोशन जी, है ना. वैसे आपको मदद जो आप स्ट्रेच कर पाते हो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, टैरो में लोग कहते हैं 30 मिनट्स की रीडिंग चाहिए मुझे, तो अब मेरे जैसे लोग तो नहीं कर पाते. हम तो इतनी क्रिस्प रीडिंग करते हैं, मेरे तो 5 मिनट में खत्म हो जाती है. तो आपको वहां मदद मिल जाएगी कि आप 30 मिनट्स कर लोगे, है ना जी. सो सिद्धार्थ जी रीडिंग कर रहे हैं और मेघना जी उनको फीडबैक दे रहे हैं. हाँ जी सिद्धार्थ जी. सिद्धार्थ जी म्यूट पे हो आप. ओके सॉरी. तो ये हेल्थ का जो एस्पेक्ट है उसमें यही दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है आपको,
बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हो, और लेकिन आगे जाके अगले 6 महीने में ये दिखा रहे हैं कि आपके जो जो भी इमोशनल जो अभी सेटबैक चल रहे हैं, जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन है, वो ठीक होंगी, आप अपने माइंड पे, अपनी हेल्थ पे कंट्रोल ले पाओगे, है ना, और बहुत अच्छे से, इनफैक्ट यू विल बी एबल टू मैनेज योर हेल्थ इन फ्यूचर, तो वो दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। फिर हम रिलेशनशिप पे आते हैं, तो रिलेशनशिप में मैजिशियन का कार्ड है विच शोज कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, यू आर अ वेरी लविंग पर्सन, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्योर, बहुत ही यू नो वाइब्रेंट एनर्जी है आपकी, और थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा सा काम में ध्यान ज्यादा भी मतलब ज्यादा रहता है आपका, तो रिलेशनशिप का शायद इतना ध्यान आप नहीं दे पाते, बट एंड ऑफ द डे यू आर एबल टू मैनेज इट वेरी वेल, ठीक है। लेकिन आगे जाके क्या हो रहा है कि ना, उन्हीं रिश्तों से आप थोड़ा सा उब जाओगे, आपको लगेगा कि भाई बहुत ही मोनोटोनस रिश्ते हो गए हैं, या फिर आपके कोई ग्रजेस वगैरह आ जाएंगे रिश्तों से, तो आप उन रिश्तों से दूर जाना चाहोगे, है ना, थोड़ा मूड भी आपका ऑफ रहेगा और आप उन रिश्तों से भागोगे, तो ये दिख रहा है अगले 6 महीने में होता हुआ। प्रोफेशन में आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा है, पीपल लुक अप टू यू, आप बहुत ही हायर पोजिशन पे हैं, बहुत ही पावरफुल पोजिशन पे हैं, और एज अ काउंसलर ऑल्सो लोग आपको देखते हैं, लेकिन आपके अंदर एक चीज अच्छी है, सबको ज्ञान नहीं बांटते, जिसको ज्ञान चाहिए होता है आप उसी को काउंसलिंग देते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। आगे जाके भी आपका जो प्रोफेशनल जो फ्रंट है वो बहुत अच्छा रहेगा, एंड आप लोगों को एज एन इक्वल देखोगे, आप अपने टीम मेट्स को एज एन इक्वल देखोगे, यू विल बी एबल टू सेलिब्रेट विद देम, बहुत अच्छा आपका एक सेलिब्रेशन का यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है कि अपनी टीम के साथ एम्प्लॉयज के साथ, बहुत बहुत अच्छा आपका रहेगा, जो जो ऑफिस का माहौल है बहुत अच्छा रहेगा। गाइडेंस, अभी जो करंट आपकी सिचुएशन चल रही है उसमें ये वाला कार्ड आया है जो ये दिखाता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका, क्योंकि मूड बहुत ऑफ रहता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, एनजाइटी में रहते हैं, तो चांसेस हैं कि कोई पुरानी बीमारी यहाँ पे आ सकती है आपको, है ना, आपको, आप हो सकता है कि कोई कोई क्रॉनिकल डिजीज आ सकती है, तो यहाँ पर सजेशन मेरा यही रहेगा कि टॉक टू पीपल, है ना, एक अपना सोशल असिस्टेंस जो है वो बढ़ाइए आप, क्योंकि आप अभी मतलब रूठे हुए हैं लोगों से, तो रूठने को छोड़, तो आपका ये जो अभी चल रहा है कि आप रूठे हुए हैं वो छोड़ के जस्ट टॉक टू पीपल, रिश्तों के पास जाइए, मतलब टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर रिलेटिव्स, एक अच्छा एक सोशल अपना जो सर्कल है उस पर ध्यान दीजिए इस टाइम पे, तो मेरा यही गाइडेंस रहेगी। अगले आगे आने वाले 6 महीनों में जो गाइडेंस मैं आपको देना चाहूंगा वो यही है कि आप, क्योंकि जो रिश्तों से दूर भाग रहे हैं ना यहाँ पे, उसका रीजन आपकी मोरालिटी हो सकती है, आप यू आर मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, बहुत ही राइट और रॉन्ग में रहते हैं, तो वो छोड़िए, है ना, रिश्तों में ये चीजें नहीं देखते, रिश्तों जो रिश्ते होते हैं वो नोबडी इज बॉर्न परफेक्ट, सबके अपनी जर्नी होती है, तो उस जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए और राइट और रॉन्ग में ना पड़िए ज्यादा। ओके मेघना जी क्या कहना चाहते हैं? मैम ओवरऑल रीडिंग अच्छी थी काफी इनकी. बस मुझे जो सेकंड गाइडेंस लगा कि वो जो रिश्तों से दूर भाग रहे हैं, तो गाइडेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा ही कुछ सही गलत को देख रहे हैं. ये पॉइंट शायद ज्यादा हो हाँ, सकता वो है, जैसा उन्होंने कि वो बोला था कहते कि हैं. आप बोला बहुत नहीं, ज्यादा मॉरल्स अच्छा और अच्छा अच्छा उसमें ज्यादा पड़ते हैं। मॉरल्स में. हाँ हाँ ओवरऑल ठीक थी रीडिंग ठीक मैम. है, हाँ मतलब वेरी क्रिस्प एंड राइट एंड रिलेटेड रीडिंग है वो. थोड़ा सा फर्स्ट गाइडेंस में आप कंफ्यूज हुए थे, जायज था, क्योंकि रिलेटेड नहीं है, डमी स्प्रेड है ना, तो दैट वाज ओके. अच्छा बोला आपने. अविका जी बोलेंगे, अविका जी बोल रहे हैं, और सुमन मिश्रा जी आप फीडबैक दे रहे हैं. अविका जी बोले. मैम फर्स्ट हाफ में मेरा है पेज ऑफ पेंटिकल्स. फर्स्ट हाफ में आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी होगी, आप अटेंशन दोगे, आपको बहुत अच्छी हेल्थ का फायदा आप उठाओगे. सेकंड हाफ में सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है. ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है. सेकंड हाफ में आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती है. जैसा आप एफर्ट लगाओगे वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. हेल्थ रिलेशनशिप में आया द हेरोपेंट. फर्स्ट हाफ में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, ट्रस्ट वर्दी आपका रिलेशनशिप होगा. लेकिन सेकंड हाफ में आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप होगा. आपके आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रहेगी, थोड़ी ईगो प्रॉब्लम भी आ सकती है. करियर में फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है. करियर में आपके कंपटीशन को दिखाता है, मतलब आप टेंस्ड रहोगे करियर में. फर्स्ट हाफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं आपके, मतलब वर्क एरिया में.
में किंग ऑफ कप्स, आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्टेबल, वो करियर बहुत ही स्टेबल होगा, आप अच्छे से बैलेंस करके अपने करियर को चलोगे। और फर्स्ट हाफ में हम गाइडेंस लेंगे मैम करियर से रिलेटेड, उसमें द हर्मिट, तो आप अपनी वर्क एरिया में इंटरफेरिंग नेचर की वजह से आपके ये कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। और सेकंड हाफ में हम गाइडेंस लेंगे मैम रिलेशनशिप से, जो है द एम्परर, जो आपका डोमिनेटिंग नेचर है उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है जी। सुमन जी, हाँ जी मैम, जो कुछ छोटी छोटी सी चीज ऑब्जर्व करी हैं, जैसे कि गाइडेंस में जो फर्स्ट गाइडेंस में बोला है कि मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, बट आपने उसका रेजोल्यूशन नहीं बताया, गाइडेंस नहीं दी कि उसको अगर आप वो चीज नहीं करेंगे, मतलब आप इंटरफेयर नहीं करेंगे तो ये चीज आपके लिए होगी। सेकेंड वाले में भी यही था कि आपने बोला कि आपकी इस चीज पे ये वर्कआउट करने की जरूरत है। फर्स्ट, सबसे पहले जब आपने शुरू किया था तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वहां पे कि हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, बट हेल्थ तो अच्छी, आप मस्त मौला है, लेकिन थोड़ा सा आपको फर्स्ट हाफ में जो केयरलेसनेस है वो थोड़ा सा आपके हेल्थ में हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। मतलब आप थोड़ा सा केयरलेस ना हो और अच्छे तरीके से वैसे आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी। ये छोटी छोटी सी चीजें ऑब्जर्व करी, अदरवाइज जी मुझे ठीक लगी। हाँ, गाइडेंस वाला पॉइंट उन्होंने ठीक बोला कि आपने ना उसको ऑब्स्टिकल बताया कि इसलिए हो रहा है, पर ये नहीं बताया कि क्या करे। तो बस शब्दों को ही हेर फेर करना है, बाकी तो बात ठीक थी। कि जैसे आपने बोला इंटरफेरेंस की वजह से आ रही है, तो हमें ये बोलना है कि मत करो इंटरफेरेंस, है ना, इतना सा चेंज कर लीजिए, बट पहले से आपकी रीडिंग में बहुत फर्क है, राइट। सो अच्छा बोला आप। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहे हैं उषा अग्रवाल जी और पूजा जी, आप फीडबैक दे रहे हैं। उषा जी बोल। मैम, हेल्थ में मेरा आया है किंग नाइट्स ऑफ वांड्स। हेलो, हाँ, नाइट ऑफ वांड्स आया मैम हाँ जी, हेल्थ। हाँ जी, तो बोलेंगे। फर्स्ट आप में फर्स्ट 6 मंथ में मेरा ये अच्छा इनका हेल्थ रहेगा, बहुत स्पीड से, मतलब हमेशा अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं और हमेशा योगा मेडिटेशन करते हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा करते हैं, तो थोड़ा उसको रुक करके थोड़ा समय से करना चाहिए। और रिलेशनशिप में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये रिलेशन में मतलब इनके पास मेंटली कंफर्ट है, सब कुछ है, रिलेशन में भी अच्छा है और सब कुछ इनके पास में, रिलेशन अच्छा है। करियर में और करियर में है 10 ऑफ वांड्स, तो 10 ऑफ वांड्स में करियर में ही बहुत ओवर बर्डन है और जिसके कारण वो स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर ले रखे हैं। और गाइडेंस में आया है नाइट ऑफ वांड्स, तो करियर में ये करियर को लेके हम इनको गाइडेंस दे रहे हैं, जो करियर में ओवर बर्डन ले रखे हैं जिसके कारण ये अपने को अपना जो फिजिकली अभी प्रेजेंट में है उसको नहीं देख करके ये दूसरों की ओर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इनको करना चाहिए कि ना बोले और ना बोल करके और अपने काम को बांटे और थोड़ा ध्यान दे करके ही काम को करें। अब सेकेंड सेकेंड 6 मंथ में आ रहा है हेल्थ के लिए आ रहा है 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स में ये हेल्थ में इनका सब सही है, ये मूवमेंट हो रहा है और थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी वही चीज है जो फर्स्ट 6 मंथ में आया था, ये भी स्पीडली ही थोड़ा आ रहा है, लेकिन इनको भी थोड़ा रुक करके ही हेल्थ पे देखना है। करियर में भी ये रिलेशनशिप में 2 ऑफ वांड्स है, तो 2 ऑफ वांड्स में रिलेशनशिप इनका बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, थोड़े डिसीजन भी अच्छा लेते हैं अपने रिलेशन के साथ में, ठीक से रिलेशन ठीक है इनका। करियर में है एस ऑफ वांड्स, तो यहाँ पर इनका जो फर्स्ट में 6 मंथ में था ये बर्डन थे, इनको अभी जो मिल रहा है न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, नई शुरुआत मिल रही है, गॉड की ब्लेसिंग है, ये अच्छा कर सकते हैं। इस समय का गाइडेंस आता है एम्पेरर, तो एम्पेरर में ये ट्रेडिशनल है, आपको डोमिनेटिंग होकर के अपने करियर पे पूरा फोकस करना पड़ेगा और
आपको अच्छा से आपका करियर ठीक रहे, यही में यस फीडबैक। हाँ मैडम, मुझे सिर्फ उसको गाइडेंस फर्स्ट 6 मंथ्स में जो ये आया था 9 of Wands करेक्ट, तो उसमें उन्होंने पास्ट ये वर्ड यूज ही नहीं किया, क्योंकि वो पास्ट में नहीं रहना चाहिए, उसने पास्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ये नहीं कहा ऐसा मेरे को लग रहा है, कि उसके 8 Wands तो पीछे है ना बैक साइड में, तो जी 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 पास्ट में स्टक हो जाता है वो, राइट है, सही बोल रहा, ऐसा मेरे को लगा। ठीक है उषा जी, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, और एक वो थे सेकंड सेकंड जो आया था ग्लोब हाथ में पकड़ा है, तो उसमें ये भी बता सकते हैं हम लोग गाइडेंस में या रिलेशन के इसमें कि वो घूमने जाएंगे करके रिलेशनशिप में। हाँ हम बोल सकते हैं कि आप ट्रैवल प्लान कर सकते हो, ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, बस इतना ही, बाकी सब रीडिंग परफेक्ट है। हाँ और थोड़ा थोड़ा टेंसेस का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि अपने एक दो बार आप मतलब खुद आपने ठीक कर लिया, बट एक दो बार आप फ्यूचर को प्रेजेंट में पड़ गए थे, ठीक वैसे ठीक। यस बाकी लोगों की भी रीडिंग बची है, क्योंकि 6 ही लोगों ने रीड किया है अभी, क्लास में 24 है। हैंड रेज करो जिसकी रीडिंग तैयार है, बिना बोले नहीं जा सकते आप। मैं करती हूँ। हाँ जी ठीक है, पूजा जी को रीडिंग करनी है तो पूजा जी रीडिंग कर रहे हैं या कर सकती हूँ। यस हाँ अभी फीडबैक ले हम देखें ना, फीडबैक देंगे रुपिंदर जी, रुपिंदर जी सुनिएगा। हाँ बोले पूजा जी। अच्छा फर्स्ट हेल्थ में आया है 8 of Swords, तो आपकी ये 6 महीने में हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आप बड़े पेनफुल स्थिति में रहोगे, हमेशा निगेटिव थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, गलत क्या सही क्या ये आप सोच नहीं पा रहे पाएंगे, एंग्जिटी रहेगी, डिप्रेशन में जाने का चांसेस है, अपने ही निगेटिव थॉट्स में आप बंधे रहोगे। रिलेशन में आया है जजमेंट, आपकी जो डीप रूटेड प्रॉब्लम्स थी, लेकिन भगवान ने आपके सारे बुरे कर्म, आपके आपकी जो गलतियां आपने की हुई है उसे माफ करके आपको दूसरा मौका दिया है, सिचुएशन ठीक करने को आपको चांस मिलेगा, भगवान से ब्लेसिंग मिलेगी रिलेशन सुधारने के लिए, तो बस आप बेस्ट एफर्ट्स डालोगे। करियर के लिए है 9 of Wands, करियर में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, करियर में आप फोकस नहीं कर पाओगे, ओवर थिंकिंग करके परेशान होंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, एनवायरमेंट वर्क प्लेस बॉस वर्क आवर्स इसके साथ आप खुश नहीं रहेंगे, हार मान के बैठोगे, पास्ट में ही जीते रहोगे, आपकी डिससेटिस्फेक्शन रहेगी और आपकी प्रोग्रेस भी रुकावट बन सकती है, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। गाइडेंस में है पेज ऑफ पेंटेकल्स, फाइनेंशियल मैटर में आप हमेशा केयरफुल रहना है, बिफोर साइनिंग रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, अपने वर्क प्लेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप काम शुरू करो, आपकी फाइनेंशियल गेन भी हो सकती है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आया टेम्परेंस, टेम्परेंस आफ्टर 6 मंथ्स आपकी हेल्थ में बदलाव आएगा, आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स आपके आते थे वो भी निकल जाएंगे, अपने हेल्थ पे ध्यान दोगे, बैलेंस करोगे, मेडिटेशन एक्सरसाइज करके आपकी हेल्थ और लाइफ स्टाइल है वो आप बदल सकते हैं। और रिलेशन में आया द हाई प्रिस्टिस, आपने जो पहली गलती की थी वो अभी आप फिर से नहीं दोहराओगे, बट यू वोंट शेयर एवरीथिंग विथ योर पार्टनर, ऑलवेज यू मेक सम लिमिट्स बिफोर शेयरिंग योर सीक्रेट्स, आप इमोशन और प्रैक्टिकल में बैलेंस करके चलोगे, रिलेशन अच्छा रहेगा लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे आप। करियर में आया है 6 of Cups, नेक्स्ट 6 आपके 6 महीने आपके फ्रूटफुल रहेंगे, पॉजिटिव वाइब्स आएगी, सब हैप्पी पीसफुल एनवायरमेंट रहेगा, ऑफिस में भी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, एनेस्टर से प्रॉपर्टी मिल सकती है, परेशानी आपकी सब दूर हो जाएगी और जॉब में भी सेटिस्फेक्शन रहेगी। गाइडेंस में आया है द सन, अपॉर्चुनिटीज आएगी उसका फायदा उठाओ, आपको जो विक्ट्री मिली है इतने दिनों में उसके लिए ईगो मत दिखाओ,
अभी तो आपने सब कुछ हासिल किया, ऐसे सोचकर आप ईगो दिखाओगे तो आप गिर सकते हो। डिवाइन ब्लेसिंग से, ब्लेसिंग से आपको जो भी जो उसका फायदा उठाओ, विक्ट्री मिली है, सक्सेस मिली है उसके, उसको आगे संभालने के लिए आप एफर्ट्स डालोगे तो आप कभी गिर नहीं पाओगे। यू कैन नॉट बिकम केयरलेस, ये ध्यान में रखना। आपका मैम सही था, सब रीडिंग सब ओके थी, लेकिन जो फर्स्ट वाले में आपने सिर्फ उसका गाइडेंस में सिर्फ करियर के बारे में बताया ना, तो उसका रिलेशन भी थोड़ा नेगेटिव पहले शो किया, जजमेंट था ना, तो उस गाइडेंस में आपको ये भी कहना था कि आपको रिलेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा कि जो आपकी गलती माफ हुई है आप दोबारा वो ऐसा मत करना कि आपका रिलेशन खराब हो, मुझे यही लगा कि उस गाइडेंस में रिलेशन का भी बताना था, गाइडेंस भी और करियर के भी। क्या एक बार दोबारा बता दो प्लीज, मैंने सुना नहीं। मैम मैंने ये कहा जैसे पहले गाइडेंस दी ना, पहले सिक्स मंथ्स की उन्होंने, तो उन्होंने गाइडेंस में सिर्फ करियर के बारे में गाइडेंस दी थी, लेकिन वो रिलेशन का कार्ड भी नेगेटिव था, तो उसमें ये भी जाना था कि रिलेशन भी आपको चांस मिला है, करियर के साथ साथ उसको भी संभाल के रखना, अच्छा, ऐसा ना हो कि इशू आ जाए। ठीक है, हाँ वो बोल सकते, ठीक अदरवाइज ठीक था, है ना जी। ओके जी, सो रितिका जी रीडिंग कर रही है और फीडबैक दे रही है रोजी जी। रोजी जी सुनो, रितिका जी की रीडिंग सुनो। हाँ जी रितिका जी बोलो। फर्स्ट हाफ में हेल्थ की बात अगर मैं करूँ तो आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा नेगेटिव रहने वाली है, और जो भी सारी हेल्थ इश्यूज आपको आएंगे वो सब कुछ आपके थिंकिंग से, माइंड से जनरेट होंगे। आज आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग में रहोगे, नेगेटिव थॉट्स आपके रहेंगे, और आप इतने ज्यादा बन जाओगे अपने ही थॉट्स में कि आपको जो अपनी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन कुछ भी नजर नहीं आएगा, आपको एक एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी आपकी हेल्थ में। और लेटर हाफ में अगर मैं बात करूं तो इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन नहीं रहेगी, फर्स्ट हाफ से तो बेटर है, लेकिन अभी भी आपकी हेल्थ मुझे खराब दिख रही है, और आपके पास बहुत सारे न्यू आइडियाज आएंगे कि मैं ये फॉलो कर लूँ, वो कर लूँ डाइट के रिलेटेड, लेकिन आप अपने हेल्थ को लेके कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे, लो इम्प्लीमेंटेशन रहेगी, उस पे थोड़ा ध्यान देना, और केयरलेस बहुत ज्यादा आप अपनी हेल्थ को लेके रहोगे। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हाफ में आपका रिलेशनशिप मेरे को बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन लग रही है इसकी, या तो कुछ बहुत ज्यादा आपको मतलब धोखे मिलने वाले हैं, या बहुत ज्यादा चीटेड या लो फील आप करोगे, जो भी आपको लॉस होगा उसकी वजह से आपका रिश्ता या तो एंड भी हो सकता है, या इसी रिश्ते में कुछ बहुत मतलब बहुत ज्यादा एडवर्स सिचुएशन रहेगी, लेकिन घबराना नहीं है, आने वाले लेटर हाफ जो 6 मंथ्स रहेंगे उसमें आपका रिलेशन सुधरेगा भी, या तो पहले वाला रिलेशन एंड हो जाएगा, एक न्यू बिगनिंग न्यू रिलेशन आपकी लाइफ में आएगा, कोई नया इंसान आएगा, या फिर उसी इंसान के साथ आपके रिश्ते बेहतर होते मुझे दिख रहे हैं। और लेटर हाफ में आप अपने रिलेशनशिप में एक लीडर की तरह लीड करेंगे रिलेशनशिप को, जैसी जरूरत आपके रिश्ते को रहेगी आप उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लोगे, तो ओवरऑल रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहेगा। और करियर की बात करें तो आपके फर्स्ट हाफ में करियर में मैं थोड़ा नेगेटिव देख रही हूँ, आपको किसी अपने से बहुत करीबी से बहुत ज्यादा मतलब धोखे या बैड उस चीज की वो है कि नेगेटिव रिस्पांस आपको करियर में मिलेगा, आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं, मतलब आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करोगे वो आपको चीट करेगा और आप बहुत ज्यादा लो फेज में चले जाओगे। और लेटर हाफ में भी आपका करियर कुछ ज्यादा मुझे अच्छा सुधरता हुआ नहीं दिख रहा, वो लेटर हाफ में भी नेगेटिव ही है। आपके वर्क प्लेस पे आपके कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। और गाइडेंस की बात करें तो फर्स्ट हाफ में आपको जो गाइडेंस मैं देना चाहूंगी वो ये है कि नेचर से कनेक्टेड रहना है, योगा मेडिटेशन वगैरह अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करें, और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, ज्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। और लेटर हाफ में जो गाइडेंस है वो ये है कि अपना आपका जो लव या वेल्थ लग्जरी जो भी है उसको लोगों के साथ बांटना सीखे, अपने तक सीमित ना रखे, चैरिटी वगैरह कुछ करें, इक्वल गिव एंड टेक रखे, ये नहीं कि सिर्फ ले रहे हो या सिर्फ दे रहे हो, लोगों को बराबर लेके चलना है सबको, अपना काइंड और जेनरस नेचर थोड़ा बनाओ। ओके जी रोजी जी फीडबैक। यस गुड आफ्टरनून मैम। मैम मुझे ओवरऑल तो ठीक लगा, बट थोड़ा सा कनेक्टिविटी में मुझे थोड़ा सा लगा, क्योंकि जब इन्होंने रिलेशनशिप में बोला तो इन्होंने एक तरफ से तो बोला कि रिलेशनशिप हो सकता है खत्म हो गए, मतलब टेन ऑफ वॉन्ट्स तो बोलता है कि खत्म हो गए, उसके बाद इन्होंने दोबारा से बोला कि वापिस वो आ सकता है,
तो वहां पे मुझे उस चीज में थोड़ी कनेक्टिविटी हाँ थी। एक्चुअली क्या है ना कि वो ये नहीं डिसाइड कर पाए कि ये रिश्ता खत्म होके सरवाइव करेगा या वो नया रिश्ता करेक्ट, आएगा। पहली बात, किंग ऑफ बॉन्ड्स में नया रिश्ता आने की तो कोई बात ही नहीं है। नहीं ये होती। रीडिंग ये थी कि फर्स्ट सिक्स या प्रेजेंट में पढ़ी है या फर्स्ट 6 मंथ्स में जैसे हम बोलेंगे, तो उसमें आपके रिलेशनशिप में इश्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, आप दोनों के में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा आएंगी, जिसका इफेक्ट उसकी हेल्थ में भी हमें साफ साफ दिख रहा है। लेकिन लेटर हाफ में वो सुधर जाएंगी क्योंकि आप एडजस्ट करोगे। ठीक है, किंग ऑफ बॉन्ड्स ये बोलता है, वो नया रिलेशन नहीं दिखाता कैसे। ठीक, यस अंडरस्टूड, बाकी वैसे ठीक। ठीक है। यस, सो नेक्स्ट इज इशू रीडिंग करेंगे एंड अभय जी आप फीडबैक देंगे, तो आप ध्यान से सुने। इशू जी बोले, मैम फर्स्ट हाफ में आया है 100 कप, तो मैम इसमें हम हेल्थ के लिए बोलेंगे, मतलब आपके साथ जो प्रॉब्लम थी उसकी नई, मतलब वो खत्म हो सकती है, वो नई शुरुआत, कुछ ऐसी नई शुरुआत होगी आपके हेल्थ में, या तो जो प्रॉब्लम चल रही थी वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। सेकेंड हाफ में हेल्थ में आया 10th, तो इसमें बोलेंगे ना कि आप अपनी हेल्थ को, मतलब आपकी हेल्थ में जो नई शुरुआत हुई है उसको लेके आपने चीजों को बैलेंस किया, अपनी हेल्थ को बैलेंस करके चल रहे हो, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और सेकेंड में मेरा रिलेशन में आया 3 ऑफ कप, तो मैम इसमें जो आपकी हेल्थ में न्यू शुरुआत हुई, उसके रिलेशन आपके रिलेशन में भी कोई न्यू शुरुआत हुई है, तो आप उस चीज को सेलिब्रेट करोगे, आपका जो रिलेशनशिप है वो प्योर और एनर्जेटिक होगा। और सेकेंड हाफ में, मतलब मैम आप थोड़ा, आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें, मतलब आप उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर, मतलब उस प्रॉब्लम को नहीं देखोगे, जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में सोचोगे कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो वो नहीं करना। और उसमें मेरा करियर के रिलेटेड आया है 100 पेज ऑफ पेंटिकल फर्स्ट हाफ में, तो हम मैम, तो मैम करियर में आप जो चीजें है ना, अपनी मनी को थोड़ा केयरलेस हो जाओगे अपने करियर को लेके, तो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाओगे, तो उसमें ये केयरलेस बन आ जाएगा। और सेकंड 6 मंथ में शायद आप उस पर काम करते हो, तो उसमें आप गॉड की तरफ से आपको कुछ ब्लेसिंग मिलेंगे, आपके कुछ थॉट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जिसकी वजह से आप लग्जरी पैसा सब कुछ कमाओगे। ठीक है, तो आपको गॉड की ब्लेसिंग होगी सेकेंड हाफ में, तो आप अच्छे से, मतलब आपका करियर रहेगा। और गाइडेंस में मेरा आया है फर्स्ट फर्स्ट हाफ में मेरा गाइडेंस में आया है 3 ऑफ कप, तो उसमें मैम यही बोलेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारियों, अपने केयरलेस पने को छोड़ दोगे, तो मतलब मैम इसमें करियर के रिलेटेड में जो आपका केयरलेस है वो छोड़ते हो ना, तो मतलब आपका करियर ठीक हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से देखते हो तो आपका करियर ठीक हो जाएगा। और सेकेंड में आया है मैम 3 ऑफ सोर्ड, वो 2 ऑफ सोर्ड सॉरी, तो उसमें हम यही बोलेंगे कि मैम आप पास्ट को मत सोचो, अपनी चीजों को जो चल रहा है उसके, उन चीजों में बैलेंस बनाना सीखो, बैलेंस करके चीजों को चलो और अपने डिसीजन सीख लो, आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा, मतलब आपका जो वो रिलेशन है वो ठीक चलेगा। ओके, यस, मैंने उसमें लास्ट में उन्हें आंख बंद कर, वो देख ही नहीं है, वो जो उसका रिलेशन जो खराब हो रहा है ना, उसका कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है, उससे रिलेशन ज्यादा खराब हो रहा है, उसमें ज्यादा कॉन्सेंट करना चाहिए लास्ट में गाइडेंस में उसको। ठीक है, मैं आपको कोई ऐसे फीडबैक नहीं दे रही हूँ क्योंकि जो उन्होंने बोला बात ठीक है, लेकिन पहले से आपकी रीडिंग बहुत बेटर है, तो ठीक है, मतलब यू आर ऑन द पाथ ऑफ इम्प्रूवमेंट, सो दैट इज व्हाई इट इज ओके फॉर यू। राइट जी, ज्योति जी रीडिंग करेंगे, ज्योति जी रीडिंग कर रहे हैं, और फीडबैक के लिए कौन बचा है हमारे पास? सिद्धार्थ जी, आपने दिया फीडबैक अभी? नहीं दिया ना, नहीं अभी तक नहीं दिया। ठीक है, ज्योति जी पढ़ रहे हैं, आप फीडबैक दें। ओके, गुड आफ्टरनून मैडम। मेरा जो मतलब फर्स्ट 6 हाफ के लिए, हेल्थ के लिए 4 ऑफ पेंटेकल्स आया है, थोड़ा जो दिखा रहा है कि जो फर्स्ट 6 मंथ जो है आप किसी चीज को किसी पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो भी हो कुछ तो बात होल्ड ऑन करके रखे हैं, जिससे आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। और लेटर 6 मंथ कोई 9 ऑफ वांड्स, जो मतलब यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग व्हाट एवर यू हैव, आप दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। रिलेशन रिलेशन के लिए जो है,
फर्स्ट सिक्स मंथ के लिए आया है 8 of 1, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े स्ट्रगल करने पड़ेगी अपने रिलेशन में. उसके बाद जो है फर्स्ट सिक्स मंथ आपका रिलेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा. यू विल फील पैशन एक्साइटमेंट विथ योर फैमिली, यू कैन एंजॉय योर लाइफ विथ योर फैमिली. लेटर सिक्स मंथ जो है अब वो नाइट ऑफ पेंटाकल्स, वो दिखा रहा है कि लेटर सिक्स मंथ में यू लॉस्ट चार्म ऑन योर रिलेशन, तो बिकॉज ऑफ योर रूटीन लाइफ, सो यू नीड टू टेक अ ब्रेक. करियर में जो है फर्स्ट सिक्स मंथ में जैसे आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगा, जिससे आपको जो भी पास्ट मिस्टेक्स किए हैं उसको उसका एक सेकेंड चांस मिलेगा, डिवाइन से आपको सेकेंड चांस मिलेगा. तो डेफिनेटली यू शुड यूटिलाइज दैट सेकेंड चांस एंड यू शुड मतलब आपको करियर को आप अच्छे से यूटिलाइज करना 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 पड़ेगा. सेकेंड सिक्स हाफ में 7 of Pentacles, तो करियर में आप जो भी वो इन्वेस्ट करेगा उसके लिए आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि जो मैं इन्वेस्ट किया वो उसका मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट मिला है कि नहीं, आप उसके लिए कंफ्यूज रहेंगे, बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे. तो उसके लिए क्या, वो 7 months आप बिना कुछ डिसीशन लिए 7 months थोड़ा पॉज लीजिए, मतलब जैसा आप इन्वेस्ट किए हैं वैसा कुछ स्टेप मत लीजिए, वैसे ही 7 months के बाद फिर नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं. गाइडेंस जो है 5 of Swords, वही जैसे मतलब पहला फर्स्ट सिक्स मंथ्स आप कुछ चीजों को जो दबा के रखे हैं अपने मन में, वो यू शेयर शेयर विद पीपल एंड जो करियर के लिए जो भी आपको चांस मिला है वो यू शुड यूटिलाइज द सेकेंड चांस. एंड जो भी आप आइसोलेशन जिस वजह से आप आइसोलेशन हो गए हैं, मतलब बिकॉज ऑफ बिहेवियर एंड योर एटीट्यूड यू आइसोलेट हो गए हैं, तो अपना बिहेवियर एटीट्यूड थोड़ा मतलब दूसरों के साथ आप अच्छा रखिए. जो सेकेंड गाइडेंस है 2 of Pentacles, तो जैसे मतलब आपके करियर में बैलेंस रखना है, हेल्थ वाइज भी आपको बैलेंस रखना है, बैलेंस डाइट लेना है, इनकम एंड एक्सपेंसेस में भी आपको बैलेंस मेंटेन करके रहना है. बस तो ओवरऑल मतलब जो भी इश्यूज है आपको बैलेंस करके चलना है, तो ओवरऑल मतलब ईयर वाइज एवरीथिंग इज फाइन. ऑलराइट, पहली चीज तो ये है कि आपका ना नेट में ब्रेक इतना होता है कि आधी बातें तो समझ नहीं आती हैं, और उससे ये भी पता नहीं नेट इशू है कि आपके बोलने में इशू है ना, ब्रेक बहुत है रीडिंग में, इतनी देर में तो ध्यान ही इधर उधर भटकने लग जाता है ना. बाकी रीडिंग जितनी समझ में आई उसके हिसाब से फीडबैक दे देंगे. सिद्धार्थ जी बता दीजिए. मैं ये कहूंगा आप ही दे दो फीडबैक, बिकॉज वो ना कार्ड जो दिखा नहीं पा रहे थे तो स्टोरी में समझ भी नहीं दिख रहा है, और फिर आधी बीच में से आधी लाइन ही उड़ जा रही है, तो वो कनेक्टिंग भी नहीं हो रहा, तो मैंने इसलिए नहीं रोका. मैं एटलीस्ट बोलने का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बोलो, कोई बात नहीं, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने यही फीडबैक लिखा हुआ है कि नेटवर्क नहीं है, तो मैंने नहीं बोलने दिया होगा. तो ज्योति जी कोशिश करिए प्लीज कि क्लास के टाइम में अगर कुछ वाईफाई कनेक्टिविटी या कुछ हो जाए तो, ताकि हम आपको ना एक बार विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सुन के फीडबैक दे दें. फॉर नाउ मीनिंग आपके ठीक थे, बट रीडिंग बहुत ब्रेक बहुत है रीडिंग के बीच में, तो वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, सो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे. जिन लोगों की रीडिंग्स रह गई हैं प्लीज पिक्चर ले लीजिए, हम कल यहीं से फिर शुरू करेंगे.